तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे फॉर्मूला। हम बात करेंगे फॉर्मूला के ऊपर कि एक्सेल फॉर्मूला कैसे होता है। इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था मैथमेटिकल, नहीं ऐसी मैथमेटिकल क्लास नहीं हुई है ना, फॉर्मूला की फर्स्ट क्लास है, कल क्लास नहीं हुई थी, राइट सर? सर कोई क्लास नहीं हुई फॉर्मूला के। तो आज हमारी फर्स्ट डे है फॉर्मूला क्लास की, हम बात करेंगे फॉर्मूला के ऊपर। उससे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूं, आप देख लें और बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला की स्टार्टिंग स्टेज है और आज जो मैं चीजें कराने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आप लोग ये मत सोचिएगा सर मैथ से, तो सर हम पूरा अभी एजुकेशन लाइफ है मैथ से पीछे भागते रहे, मैथ याद ही आ गया, क्या गया सर, मैथ की लाइफ है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, चलिए इसके बारे में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, देखिए जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बेसिक चीज सिखा रहा हूँ। एक है हमने सम यहाँ पे बताया, तो सम हमने लिया, सम कर लिया, और दूसरा हमने इसको सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल दिया, इसको सिलेक्ट कर, दोनों का काम सेम है, रिजल्ट दिया सम, बट इसमें यूज हुआ एक्सेल का इनबिल्ड फीचर, जब माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपको बना के दिया है उसका इनबिल्ड फीचर आपको यहाँ पे हुआ, राइट? हेलो, हाँ सुनील जी, हेलो, हाँ सुनील जी, हाँ बताइए, मैं क्लास में हूँ, क्लास वर्क सुनील को बात करता हूँ। तो यहां हम जो है यहां पे यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ए टू प्लस बी टू, तो हम यहां पे जो मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल किया, ठीक है? तो अब इसके बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो इनबिल्ट फीचर है वो लिमिटेड है, बात समझे, इनबिल्ट फीचर जो है वो हमारा लिमिटेड है। यहाँ फॉर्मूला वार में देखेंगे तो लिमिटेड, बट यहाँ आप जो है फ्रीडम है आपके पास, किसी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर में आपके पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन आई जिसके लिए एक्सेल में फॉर्मूला ही नहीं है, दैट टाइम आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ऐसी कैलकुलेशन जिसको आप नोट पैड से पेन पेंसिल से कर सकते हैं, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ भी की जा सकती है। किसकी मदद से, तो मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो कौन कौन है, प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ आपका डिवाइड है, और ये आपका पावर है, इनकी मदद से। चलिए कुछ एग्जांपल हम बताते हैं आपको। जैसे कि हमारे पास क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन में 50 सेल है, क्वार्टर टू में 30 सेल है, ओके? मुझे इसका ग्रोथ निकालना है। अब ग्रोथ के लिए एक्सेल में हो सकता है कि कोई फॉर्मूला अवेलेबल ना हो, तो क्या करें, अगर इसको पेन पेंसिल से आपको करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल करेंगे कि लेटेस्ट माइनस, मतलब कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन, सिंपल कर लेंगे। अब इस सेम कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे होगा, उसी तरह से होगा, क्वार्टर टू लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। तो मुझे कैप्टन कर्नल जी बताइए, संजय गांधी जी, कैप्टन संजय गांधी जी, सर सर सर, क्या कैलकुलेशन सही है, एंटर मारने पे रिजल्ट सही आएगा या कोई मिसिंग है? नहीं सर, मिसिंग है सर। क्या मिसिंग है इसमें? पहले डिवाइड हो जाएगा सर, ए फाइव डिवाइड बाय वन हो जाएगा। मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं बोर्ड मास मेथड, मतलब कि अगर हम इसको सिंपल बोले तो कैलकुलेशन सिक्वेंस, कि क्या पहले कैलकुलेट होगा। तो एज पर माय रिक्वायरमेंट कि पहले माइनस करके फिर डिवाइड करना है, ब्रैकेट, इसको हमें ब्रैकेट में रखना होगा। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते समय आप इसका ध्यान जरूर रखें, एंटर मारिए, अब इसके ऊपर आप होम मेनू बार में परसेंटेज का सिंबल दे दें, आ गया 40%, राइट सर?
तो आप इसकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल आपको हम बताते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास रेट है, मेरे पास टाइम है। 50,000 का प्रिंसिपल है, 10% मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है, और टाइम है आपका मान लीजिए 3 साल। मुझे इस पे अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट के लिए एक्सेल में फॉर्मूला है, एफडी फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है, लेकिन मुझे उस फॉर्मूले की बैकग्राउंड कैलकुलेशन पे ट्रस्ट नहीं है। मैं अपना मैथमेटिकल ट्रिक्स अपनाना चाहता हूँ। तो मैथमेटिक क्या कहता है? मैथमेटिक कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। यही कहता है ना मैथमेटिक्स। और यहां एन इक्वल टू 12 है, क्योंकि मंथली मतलब कि इंटरवल होता है। तो चलिए इस कैलकुलेशन करते हैं। तो हम यहां पे डायरेक्ट लगा सकते हैं इस तरह से कि पी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस यहां ब्रैकेट में लेते हैं ब्रैकेट आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 और इन सब को हम रख देते हैं ब्रैकेट में। एक और आगे अब बोलेंगे सर ये तो कैलकुलेशन में हो सकता है कि ब्रैकेट वगैरह छूट जाए, तो इसका दूसरा तरीका भी है, इसको हम स्प्लिट करते हैं, वन बाय वन तोड़ के लगाते हैं। जैसे कि हम करते हैं सबसे पहले आर डिवाइड बाई एन मतलब कि 12, फिर इक्वल 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन, देन टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, उसके बाद हम करते हैं पावर, इसको पावर दे दिया ए आ गया, एंड आफ्टर दैट हम प्रिंसिपल में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आ गया सर। लेकिन कई सारे सेल्स का इस्तेमाल करके आया, हम चाहते हैं कि एक सेल में कैसे भी इसको क्लब, हमने स्प्लिट कर लिया, स्प्लिट करके हमने अपनी कैलकुलेशन प्रोसीजर को देख लिया, हमें यहाँ रिजल्ट 100% सही मिल गया। अब इसको सबको मर्ज करेंगे एक सेल में, जैसे हमने इसकी कॉपी की, इसका फॉर्मूला यहां से उठाया, कंट्रोल सी किया, एस्केप मार के बाहर आया, और यहां जहां हमारा C2 है उसके जगह पे हम इसके फॉर्मूले को पेस्ट कर दिए। तो अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। उसके बाद ए लिंक है इन दोनों से, D12 एंड E12। तो D12 पे जाता हूं, D12 के फॉर्मूला का कॉपी करता हूं, स्केप मार के बाहर आता हूं, और यहां D12 है इसको डिलीट करता हूं, इसके जगह पे इसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। फिर यहां पे E12 पे आता हूं, E12 के फॉर्मूला को कॉपी करता हूं, स्केप मारता हूं, यहां E12 पे आता हूं और E12 पे E12 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं। ओके एंड फाइनली हम इसको अभी दोनों को डिलीट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पे हम इसको कॉपी करते हैं F12 ब्रैकेट में, उसका फॉर्मूला पेस्ट मार दिया, अब यहां पे F12 डिलीट हो गया, इसको कट किया और यहां पे पेस्ट कर दिया, हो गया सर कैलकुलेशन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इतना आसानी से तो ऊपर लगा ही दिए थे, तो इतना झमेला नीचे करने का क्या जरूरत था, ऐसा सोच सकते हैं आप। लेकिन अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा इसमें हमारा ये फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, इसको बोलते हैं फॉर्मूला मर्जिंग मेथड, और ये मेथड मैंने क्रिएट किया था 2009 में, ठीक है 2009 में पहली बार हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक हमारे स्टूडेंट थे, वो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को समझ ही नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने उसको टुकड़ों में किया, तो इसको ज्वाइन किया तो समझ गया, तो मैंने अपने शेड्यूल में इसको डाल दिया। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि छोटी कैलकुलेशन है। अब चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि अमाउंट,
एमआरपी मुझे कैलकुलेट करना, और जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 50 रुपीज। तो कैलकुलेशन अगर मैनुअल करें तो कुछ इस तरह से है कि इसका 5% मैन्युफैक्चरर लेता है और इस अपने कॉस्ट में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर को सामान पड़ता है 52.50 रुपए में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इसका 10% निकालता है और अपने खरीद पे ऐड करता है और दे देता है होलसेलर को। ये प्रोडक्ट होलसेलर को 57.75 में पड़ता है। होलसेलर क्या करता है, इसका 15% निकालता है और इसके अपने खरीद पे ऐड करता है, दे देता है रिटेलर को। रिटेलर बढ़ता है 600.41 रुपए का। रिटेलर क्या करता है, इस पे अपना 20% का कमीशन एंड प्रॉफिट मार्जिन निकालता है और अपने टोटल में ऐड करके रिटेलर को दे देता है। तो फाइनल प्राइस जो हुआ 79693 हुआ। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने 8 अलग अलग सेल का इस्तेमाल किया, बट एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अब वन बाय वन हम इसको मर्ज करते हैं। हमने इसको लिया, कॉपी किया और यहाँ जहां पे B17 था उसके जगह पे ब्रैकेट में, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर में पेस्ट कीजिएगा। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। डिलीट करने से देखिए कोई फर्क तो नहीं पड़ा है टोटल पे, ठीक है। फर्क पड़ रहा है तो कंट्रोल जेड कीजिए, कहीं पे आपने गलती किया है। फिर इसको कॉपी किया और यहां कहा B18 है, B18 के जगह पे B18 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। यहां भी B18 है, यहां भी मैं फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब मैं B18 को डिलीट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको कॉपी किया और यहां देखिए C17 के जगह पे C17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया और C17 को डिलीट करता हूं। जो वापस C17 का C18 का फॉर्मूला कॉपी किया, इक्वल कॉपी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इक्वल कॉपी मत कीजिएगा। कॉपी करने के बाद स्कैप प्रेस करके बाहर आइए। C18 में हम C18 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, या आप इसको डिलीट करके ब्रैकेट पहले ले लें फिर ब्रैकेट के बीच में पेस्ट करें। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। वापस हम इसको आते हैं और इसको कॉपी करते हैं, स्केप मारा और यहां जहां D17 था, D17 में D17 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, D17 को डिलीट कर दिया। वापस आते हैं, D18 का फॉर्मूला हमने कॉपी किया, स्केप मार के बाहर निकला और जहां D18 था उस D18 पे D18 का फॉर्मूला ब्रैकेट में डाल दिया। अब मैं यहां भी D18 है, यहां भी D18 का फॉर्मूला, D18 का फॉर्मूला पेस्ट मार दिया और इसको डिलीट कर दिया। फिर इसको हम इसे यहां से कॉपी करते हैं और जहां हमारा E17 है, E17 के जगह पे E17 का फॉर्मूला मैंने दे दिया। अब मैं इसको डिलीट कर दिया। अब कट कीजिए, जहां रखना है वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब क्या लग रहा है कैप्टन संजय गांधी जी, ये फॉर्मूला लिख पाते हैं हम? कितने ब्रैकेट है, कितने प्लस है, कितने मल्टीप्लाई है, कंफ्यूजन काफी होती है सर। ये 4 स्लैब था, अगर मान लीजिए 10 या 12 स्लैब होगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आगे चल के हम एक्सेल फॉर्मूले में भी इसी तरह से स्प्लिट करेंगे और फिर वन बाय वन इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। इसको फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चल के कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को लिखने में ये आपको काफी मदद साबित करेगा। समझ गए? हेलो, यस सर। तो अभी आपने क्या समझा? आपने समझा कि मैथमेटिकल ऑपरेटर से हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते, चाहे वो ग्रोथ रेट निकालना हो या वो ब्याज निकालना हो या आपको कॉस्ट निकालना हो, जो भी आपका मैथमेटिकल रूल है उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने चीजें सीखी और सीखी फॉर्मूला मर्जिंग, क्योंकि मान लीजिए कि बहुत सारे कैलकुलेशन हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होगा तो उसमें कम दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में आप उसको स्प्लिट करें, फिर जब कैलकुलेशन आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको वन बाय मर्ज करें। राइट सर, क्लियर है? यस सर। जी सर। तो अभी आप क्या करें, मुझे अभी आप लोग मुझे
तकरीबन 10 एग्जाम्पल बना के अभी मेल करें। आपको कल परसों का टाइम नहीं दिया जा रहा है, अभी आपको कहीं जाना नहीं है, अभी आप सिस्टम पे बैठे और मैथमेटिक्स के बुक अगर घर में है, संजय जी आपके घर में तो होगा ही होगा, तो मैथमेटिक्स की जो बुक है उसको उठाएं, उसमें से 3-4 फॉर्मूले को देखें और उस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके 10 मैथमेटिकल फॉर्मूला लें। आपके पास बुक नहीं है मैथमेटिक्स का तो आप एक्सेल गूगल की हेल्प ले सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। कहने का मतलब कि हम मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप एक्सेल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये कीजिए करके मुझे मेल कीजिए, मैं देखूंगा, फिर हम कल बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। सर इसमें एक और होता है ना एक्सेल में सर, जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। हाँ उसको वो फॉर्मूला हम बताएंगे आपको, अभी वो अलग चीज है, वो फॉर्मूला एवलेट करते हैं, तो फॉर्मूला जब लगाएंगे कॉम्प्लिकेटेड तब यूज करेंगे, अभी तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। ठीक है, अभी आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, 10 और मुझे भेजना है 10। जैसे अभी मैंने आपको ग्रोथ कैलकुलेशन दिखाया, अभी मैंने आपको अमाउंट निकाल के बताया, अभी मैंने आपको ये एमआरपी निकाल के दिखाया, तीन तो मैंने बताया, बाकी 10 आप करके मुझे भेजिए। राइट सर, ओके सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय बाय।